दोस्तों, लुसेंट जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आपका वेलकम है। तो अभी तक स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का एक बटन मिलेगा, उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो इसका नाम है चंद्रमा है, पृथ्वी पर एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो बेन किंग्सले ने निभाई थी दोस्तों गांधी की भूमिका, जो गांधी जो मूवी आई थी उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी को ध्यान है, प्रत्येक साल 5 सितंबर को मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में मनाया जाता है प्रत्येक साल 5 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो 1945 में गिराया गया था, और कहाँ कहाँ गिराया गया था? दो शहर थे दोस्तों, हिरोशिमा और नागाशाही। हिरोशिमा और नागाशाही में गिराया था दोस्तों, दो शहरों में जापान के। किसने गिराया था? अमेरिका ने गिराया था 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो कौन सी नदी पर है? ये सतलज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो इसका नाम है कमल का फूल। कमल का फूल है भारत का राष्ट्रीय पुष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित खिलाड़ी है दोस्तों, धनराज पिल्ले हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO बोले तो यूनाइटेड नेशन ऑफ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कितने हैं? तो 5 है। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की बात होगी तो 5 करना है, और सुरक्षा परिषद के सदस्यों की बात होगी तो हमें 15 करना है। यानी टोटल सदस्य तो 15 है, लेकिन स्थायी जो सदस्य है वो ओनली 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में स्थित है? तो हड़प्पा जो सभ्यता थी दोस्तों, उसका जो स्थान है वो स्थित है कहाँ पर? पाकिस्तान के अंदर स्थित है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथ नामक कर किसके द्वारा लगाया गया था? तो मराठों के द्वारा लगाया गया था चौथ नामक कर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने। विनोबा भावे ने शुरू किया था भूदान नामक आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड मैकले ने की थी अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह को। मिल्खा सिंह को जाना जाता है फ्लाइंग सिख के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है नींबू और संतरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदय शंकर किससे संबंधित है? तो नृत्य से संबंधित है उदय शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो ये भीमराव अंबेडकर थे प्रारूप समिति के चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो सर्वोच्च स्थान पर जिला परिषद होता है त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप की राजधानी है? तो करवती है लक्षद्वीप की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? तो श्रीलंका की जो मुद्रा है उसका नाम रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने की थी गुरुत्वाकर्षण की खोज, और गुरुत्वाकर्षण के नियम भी इन्होंने बनाए थे। अगर दोस्तों आज का लुसेंट जीके का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके पास में बेल आइकन का एक बटन मिलेगा, उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, और हमें कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो दोस्तों।